के सवाल है मेरे, तुसा मेरे को 600 सवाल पूछ लिया ते मैं अपने भाई को सवाल पूछना चाहना जहीर भाई को भाई एक साइड तो इन्हें जी सास आ रही दूसरी साइड तो इन्हें सौरा आ रहा ते सब तो पहले किस नु मासन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के हाल चाल है, ठीक हो? मैं तुहाडा भरा इमरान खान ते तुसा वेखदे पए हो मेरा यूट्यूब चैनल इमरान मानो। उम्मीद करें ना तुसा ठीक हो। सो अज गड्डी एक आई है मजदा 3500 छोटा 16 फुट बने हुआ ये चलता है पैंपर से ये उस्ताद हो रही खलोते फैसलाबाद चलते ना एक तक गप शप कर सै ये चलो तुम बनाई दो भैया जो नवे ट्रांसपोर्टर आने बनावा चाहन जो वास्ते तो यानी कोई जो कोई सवाल हो जो ड्राइवर को कोई फायदा हो अज कोई उस्ताद को कोई सवाल आ तो पिछा उस्ताद ना गप शप करें ये उस्ताद और फैसलाबाद चलते वत बह के उस्ताद मुलाकात करें पहले तुम गड्डी साढ़े नाल खलोते ना सके चलो यार बह के जी मालूमत लै लें एक तो पैंपर से गड्डी चलती है बारे कोई मालूमत लेने अगर पैंपर से गड्डी चलावनी हो गड्डी में कितने पैसे बचते हैं अगर किसी लोकल गड्डी लानी हुई तो कंपनी की गड्डी मेरे ख्याल या उस्ताद और अपनी पता कर सें तो अगर किसी यानी कि गड्डी उसे कामयाब है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? शुक्र अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक सर जी। ना अपना दस नाजरीन। मेरा नाम वकास है भाईजान। वकास है मतलब सर जी केड़ी जगह तो? असि अटक पिंड गए। अटक पिंड गए बे। अच्छा सर जी तुम्हारे को 16 फुट की गड्डी है? जी 16 फुट जी। ये सर जी गड्डी अपनी नहीं या ड्राइवरी कर? नहीं जी ड्राइवरी कर दे। अच्छा ड्राइवरी कर। सर जी इससे कितना अर्सा हो गया? इससे तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल इस गड्डी से। पहले तू केड़ी गड्डी चलाई? पहले 10 व्हीलर चलाते रहे। 10 व्हीलर? ओके छत चलाते रहे वो चीनी तो जल्दी है चीनी ते ओके केड़ी गड्डी आई? ओ सीजो एफ टी आर गड्डी। सीजो एफ टी आर गड्डी आई। अच्छा सर जी तुसें 35 समझदा है ए दे खर्चे दे लिहाज नाल किस तरह है गड्डी? इसका खर्चा बहुत जायज है। अच्छा जी दुनिया गड्डिया नाल इसका खर्चा घट है। ए मॉडल केड़ा जी? ए 14 मॉडल है जी। ते ओ दूसरे 35 समझदे ने अक्सर दुए कैबन नहीं होंदे ओ के चार लाइटा को लगे यानी कि ए टिटान है ए जापानी गड्डी है। अच्छा ते ओ केड़े होंदे? ओ जड़ा ना पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी नहीं है वो जापानी गड्डी लेकिन ए जड़ा ना संभल हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा यानी मॉडल मॉडल दा मॉडल दा फर्क। चलो अल्लाह खैर करे। कोई इंजन विच कोई फर्क आया या नहीं? इंजन जी थोड़ा बहुत फर्क है इतना नहीं है इस इंजन अच्छा। थोड़ा जोर वाला अच्छा। इससे टर्बो भी लग सकता। अच्छा जी चलो। अच्छा सर जी ये दसो तुसा पैंपर ते तुसा चलदे हैं ते इस गड्डी ते किथे किथे तुसा लैंदे हो? ये असी इस्लामाबाद। अच्छा लाहौर। अच्छा जांग 18,000। अच्छा जी सारे शहरों तक यानी कि शहर जांदे। कभी कश्मीर वाली साइड तेरी गए? कश्मीर वाले घाटी जांदे हैं। ते पैंपर दा कितना एक वजन होगा इंदा? ए तकरीबन 3.5 टन 4 टन वजन होंदा। 3.5-4 टन। ते सर जी कितने तुहाडे महीने कितने चक्कर लगवे इस तकरीबन? तकरीबन 11-12 चक्कर लग जाने। 11-12 चक्कर सकून लगवे अगर किसी बिरा ए तुहाडी कंपनी दी गड्डी ने? मेरे जी कंपनी दी गड्डी। तुहाडा अपना ठेका ना कंपनी वाला या किसी? नहीं मालिक दा ठेका यानी कोई ना जड़ी गड्डी उना दा ठेका। अच्छा सर जी दसो अगर किसी बिरा प्राइवेट गड्डी है ओदी 16 फुट है बॉडी रखी हुई है या कंटेनर केड़ी उथे ले लाल इस नगर ओथे सिर्फ कंटेनर गड्डी लगदी है फैक्ट्री। अच्छा सिर्फ कंटेनर वाली गड्डी लगसी ते अगर यानी के बॉडी वाली ओ ना कामयाब होसी? नहीं बॉडी वाली गड्डी है पैंपर नहीं लोड ही नहीं कराना। अगर किसी बॉडी वाले बिरा रखनी होवे कंटेनर यानी के चलावनी होवे ओनु कंटेनर ए आप बनवा दे सेन या के करना पोस? नहीं नहीं कंटेनर अपना बनवाना पेंदा यानी के अपना कंटेनर होसी ता अपना ता लवे सेन। अच्छा अच्छा ते कंटेनर अगर रखन तो सर जी कितना को खर्चा सी कोई मालूमत हो? यार मुख्तलिफ है ना महंगाई ने सिस्टम है कोई और 4.5 लाख रुपए वी फुटे कंटेनर की कीमत चलती पी 4.5 लाख 4 लाख। अच्छा ते देसी कंटेनर की थोड़ी घट है। अच्छा। जी यानी कि बेहतर अगर 35 समझ दे तो मशवरा है यानी एक तो वो अपना है तो दूजा 16 फुट करना चाहिए या 20 फुट करना चाहिए? 16 फुट रहा सही है वजन शजन के हिसाब ना लेकिन 16 फुट गड्डी घट ही लगती उत्थे। अच्छा ज्यादा 20 फुट कंटेनर 20 फुट पैंपर पे लगदे क्योंकि वजन कम होता है बात जी। चलो अल्लाह पाक खैर करे। अच्छा सर जी तुहाडे नाल कोई थोड़ी जी कोई ड्राइवर दे बारे मालूमत लेनी है अगर तो समय ना करे तो तुहानू कोई सवाल कर कोई मसला नहीं करो जी। अच्छा सर जी ये दसो गड्डी दा यानी कि ऐल ले है एक कितने अर्से बाद चेक करना चाहिए कोई 4-5 किलोमीटर एक 4-500 किलोमीटर चल के या गड्डी दा इंजन स्टार्ट करके ते या मोड़ पहले? ये गड्डी स्टार्ट करन तो पहले चेक करना चाहिए किधर भी तुसी चलन लगे हो गड्डी स्टार्ट करन लगे हो सो पहले तो सो चेक कर लेना चाहिए भाई साड़ा आयल पूरा लीक है नहीं है उस यानी कि भाई इंजन स्टार्ट करने तो पहले आयल शैल चेक कर लेना चाहिए इन्ना ताकि भाई भाई कोई आदे कोई आदे भाई यार मैं अगर वाइंग चेक कर लाए सा या गड्डी सलफ मार के बाद चेक करना बात ही गलत है पहले चेक कर लेना चाहिए। अच्छा सर जी ये दसो गड्डी चलती रही अक्सर साढ़े ड्राइवर हजरात की किसी की आदत होंगी भाई यार माड़ा जहाँ क्लच तो पैर रखी रख देना है
ਉਹ ਕਲਚ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਵਤ ਗੇਅਰ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੋਈ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦਾ ਉਹ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਲਚ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਲਚ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦਾ ਵਾਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਗੜ ਮਰੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਬਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਵੰਜੇ ਜਾਂ ਵਤ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਰੇਡੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਤ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਐਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਐਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰੇਕ ਐਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਐਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ जवाब सही है सीधी भैया मैं पहली फिर ऐसा इंटरव्यू कर रही हूँ थोड़ी जा अगर कोई गलती हुई तो माद रहा सो भाई यानी कि चौक दे विच तुसा ब्रेक मरेंदे हो हैं जी ते अक्सर अगुए छोटे छोटे चिटियां चिटियां लीका बनिया पई आउंदियां जी बनी हुई आउंदियां उत्थे ज़्यादा केड़ी शायद हक हुंदा उत्थे यानी कि चलन वास्ते गड्डी उत्थे खड़ी करनी चाहिए है या उत्थे मोटरसाइकिल वाले टप्पण देना चाहिए है ते या मुड़ बंदे ने टप्पण देना चाहिए वो बंदे ने क्रॉसिंग नी जगह बनी हुई उसां ज़ेबरा क्रॉसिंग कहंदे ने बिल्कुल वो वाकई क्योंकि वो बंदे वास्ते बनी हुई जी चिटी चिटी हुण उर्दू तो सानू नहीं आंदा पंजाबी लेकिन चिटी चिटी जी लीकां करके लगे पे हुंदे ने ज़्यादा मेरे ख्याल नाल ज़ेबरा क्रॉसिंग आ देन ते उत्थों बंदे ने टप्पण उस पिछे गड्डी ने ब्रेक मारनी चाहिए अच्छा उस्ताद जी अक्सर चौक च वेखी वे चौक बंद हो इशारे लगे हुए होंगे ना रात आँदी है या वत किसी टाइम इशारा गलत हो जाता या कोई मसला बनता है एक पीली लाइट आँदी इस तरह जल रही होंगी वह मायना आता है वह तो सर जी वो पीली लाइट इस लगी होनी भाई इतो स्लो स्लो गुजरो अच्छा यानी कि उधरों कोई गड्डी आ सकती बंदा आ सकता उस आराम न गुजरने वो इशारा वे बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए है तो एक तो रत्ती लाइट आँदी है बिल्कुल यानी कि खतरा है वो नहीं तो जी हरी लाइट आँदी सावी वो यानी कि बिल्कुल कोई मसला नहीं तुसा वंजन दो अगर पीली लाइट इस तरह कर रही है तो तुसा होशियार हो के तुसा गुजर सकते हो और उस्ताद जी कोई पैगाम देना चाहो और यार ड्राइवर भरावां नूं कहने भाई थोड़ा एहतियात ना चले करो बिल्कुल अगो सर्दी आंदी पे धुंद दिन आने पे थोड़ा आराम सुकून ना चलना चाहिए बिल्कुल अपनी एहतियात भी अपनी जान भी सेफ्टी रखो तो दुनिया भरावां दी भी सारे दी सेफ्टी रखो बाकी आवाम दी भी जान सेफ्टी जानी चाहिए अच्छा सर जी जेडे साडे दोस्त हजरात बाहर टुर गए परदेस है यानी कि जेडे बाहर टुर गए पाकिस्तान तो सऊदी या होर किसी मुल्क उन्हां दे वास्ते तुसीं की पैगाम देना चाहते हो ओ जी बस परदेसी भाई हैं साडे उन्हां साडे तरफ सलाम होना चाहिए ते ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਵੈਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੈਰ ਕਰ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜ਼ਹੀਰ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 600 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਕੋ ਬਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਆ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਸਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਸਾਂ ਭਾਈ पसंद अगर कोई गलती शलती हो गई तो माफ कर दे ड्राइवर कोई नहीं लेकिन उस्ताद और कोल जेड़ा सवाल मैं आंदे मैं कीते जवाब उस्ताद और सही दिता इंशाल्लाह मिलसु नवी वीडियो ते चैनल सब्सक्राइब कर दिया ते लाइक शेयर की कर दिया ओके अल्लाह हाफिज़।